Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. At a time when a major corona storm has hit the country, the cases are just rising with every passing day. Many people are dying due to this disease. There are some people who are performing selfless service of those who are abandoned and who have died due to COVID. One of them is Muin Mastan from Aurangabad in Maharashtra. During the holy month of Ramzan, he, along with his volunteers, is really doing the last rites of the people who have died due to COVID. The bodies, they're cleaning and performing the last rites. He's joining me now. Muin Saab, आप औरंगाबाद में अपने जो आपके साथी है उनके साथ लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं, क्रिमेशन करते हैं उन लोगों को कि जिनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। कब से आपने ये काम शुरू किया और किस तरह आपके मन में ये ख्याल आया? सर, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि हम लोग 35 साल से यहाँ से घाटी दवाखाने का लोन डेड बॉडी लेते हैं और यहाँ के जितने भी जो बड़े बड़े डॉक्टर है, हरबड़े सर है और दूसरे लोग है, तो उन्होंने एक दिन बैठ के मीटिंग लिया था, अपने पास यहाँ कोरोना चालू होगा, अब ये कोरोना की डेड बॉडी कौन लेगा। तो शुरू शुरू में हमने डेड बॉडी लेना शुरू करे। तो फिर अभी तक कितने लोगों के आपने जो लास्ट राइट्स है वो परफॉर्म किए है? सर, अभी तक हमारे से 3,500 के करीब करीब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। 3,500? जी हाँ, 3,500 ऑन रिकॉर्ड अभी तक। हाँ, तो कब से आप ये कर रहे हैं? पिछले साल से, जब से ये कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ? हाँ, अभी तक कंटिन्यू लगे हुए सर, रात दिन लगे हुए। अभी जो दूसरी वेव चल रही है इसमें काफी ज्यादा मौतें हो रही है, तो क्या किस तरह के हालात है? नहीं, हालत बहुत डेंजर सर। पहले का जो कोरोना था वो नॉर्मल था, मगर ये बहुत फास्ट है सर। ये पहले हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर तकरीबन इतनी डेथ नहीं देखी जितनी ये हफ्ते में डेथ देखी। रोज 40-50-60 की मौत हो रही सब। तो आपका रोजा भी आपने रखा है, आपके साथी भी रोजेदार है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? सर, अभी कैसा, वो रोजा रखना तो फर्ज है सर, और ये काम को भी अंजाम देना है और वो काम को भी अंजाम देना है। तो कैसे आप करते हो? सर, डील कर लेते ना सर, आपका करना तो पड़ेगा ना सर। ये लोग जिसके घर में मौत होती सर, वो बहुत परेशान होता है। रोजा अपनी जगह पे है सर, और ये काम अपनी जगह पे। तो आपके कितने वॉलंटियर है जो ये काम कर रहे हैं? 25 है सर। 25? तो लोग किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं, या कि आप खुद ही हॉस्पिटल से पता लगाते हैं और फिर क्रिमेशन ग्राउंड में? नहीं, औरंगाबाद में महानगर पालिका ने औरंगाबाद में 2 NGO पैदा किए गए, एक मस्तान ग्रुप और एक पंचशील। मस्तान ग्रुप के नंबर है तो औरंगाबाद के हर हॉस्पिटल के अंदर नंबर दिए हुए, जहाँ डेथ होती है हमको कॉल आ जाता है कि फलाना फलाने जो डेथ है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौरी समाज है, जो भी समाज की डेथ होती है हमको सबसे पहले कॉल करते हो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाने में 1 घंटा लगता है। फिर उसके बाद हम वहाँ जाने के बाद दवा हॉस्पिटल जाने के बाद जो हम बॉडी वहाँ से उठा लेते। तो तमाम मजहब के लोग जो है सबके आप लास्ट राइट्स करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। हिंदू रहन दो, मुस्लिम रहन दो, क्रिश्चियन रहन दो। आज हमने 2 क्रिश्चियन की बॉडी उठाया आइकॉन के हॉस्पिटल के अंदर से, तो दोनों को एक साथ लेके नहला धुला के तैयार करके बॉडी बैग के अंदर, जो WHO के जो रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से हमने पूरा काम कम्प्लीट किया उसको। तो ये जो परिवार वाले हैं, इन जिन लोगों की मौत होती है वो आपको अप्रोच करते हैं, या ऐसे भी हमने देखा है कई बार कि जो बॉडी को ऐसे छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो आप किस तरह से उनको उनके लास्ट राइट्स करते हैं? सर, असल में हम क्या पूरा पीपी किट पहनते हैं ना, पूरा पीपी किट पहनते हैं, गॉगल पहनते हैं, हैंड ग्लोव पहनते हैं, उसके बाद हम बॉडी के करीब जाते हैं, और नाते भाई जो रहता है जब उसको अग्नि देना होता तो हम पूरा उसको पीपी किट पहना के, गॉगल पहना के उसको अग्नि के ऊपर लेके आते हैं हम शमशान के अंदर। और मुस्लिम रहता है उसमें से एक जो रिश्तेदार रहता है उसको पीपी किट पहना के नमाज के अंदर हम लेके जाते। हमारे 5 लोग रहते हैं, उनका एक छठा एक आदमी लेके जाते, साथ में हम जो तो पूरा अंतिम विधि करते हैं उसका। कभी ऐसे भी हुआ है किसी रिश्तेदार ने मना किया और आपने खुद ही सारा किया? कोई रिश्तेदार अपने जो परिजन है जिसकी मौत हो गई उसके साथ में नहीं गया, तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ा? हाँ सर, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल के भी डॉक्टर लोगों के भी घर में जब डेथ होती है वो लोग क्वारंटाइन होते, तो पूरी जिम्मेदारी हमको दे देते,
कि भाई हम आ नहीं सकते, आप ये पूरे हमारे डॉक्यूमेंट है, आप इसकी परमिशन भी निकाल लो और आपके हिसाब से अंतिविधि कर लो, हम लोग वीडियो कॉलिंग पे देख लेते। ऐसा भी होता सर कभी कभी। तो आपको जिस तरह से आप ये काम करते हो, तो किसी तरह से कभी आपके मन में कोई ख्याल आता है कि ये बड़ा खतरनाक काम है, हमें भी इस तरह से ये इन्फेक्शन लग सकता है? सर असल में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात इसमें डेयरिंग है सर, और हम लोग जो है ना सिर्फ भगवान के भरोसे पे, अल्लाह के भरोसे पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन हमको महानगर पालिका से एनजीओ मिला, हमने उस दिन 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह का नाम लेके ये काम शुरू करा। अल्लाह अगर हमारी मौत अगर इसी में है तो आप वेलकम बिल्कुल दे सकते, बस उसका नाम लेके आज तक हम काम कर रहे। और 25 बच्चों में आज तक सर कोई बीमार नहीं हुआ, रात दिन कंटिन्यू हम काम पे लगे हुए सर इसमें। तो रोजे चल रहे हैं लेकिन आप लगातार रात दिन काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा अकेले का ऐसा है, मेरे को 24 घंटे 48 घंटे में कुछ सर्विस देना पड़ता, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल से मेरे कुछ कॉल आते हैं, मेरे को पूरा अरेंज करना पड़ता, यहाँ 3 बच्चे भी जाना है, वहाँ 4 बच्चे भी जाना है, यहाँ 5 बच्चे भी जाना है, ऐसा। तो जिस तरह से अब केसेस बढ़ रहे हैं और ज्यादा प्रेशर है, आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो ये सब, कि आपको और लोगों की जरूरत है, और वॉलंटियर्स जो है वो आपके साथ जुड़ के काम करें? सर असल में लोग तो बहुत आना चाहते हैं, मगर हमको लोग पे भरोसा नहीं है ना सर, ये क्योंकि आखिरी समय है, आखिरी अंतिविधि, आखिरी दफनाना है सर, और लोग कैसा है इसका बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं ना सर। क्या किस तरह से फायदा कैसा? आप नाते भाई रहते परेशान, अगर हम ज्यादा अगर दूसरे लोगों को हमारे कंपनी में हम ज्वाइन करते तो वो लोग काम बराबर नहीं करते। इससे पहले हमने 15 दिन पहले करे थे, एक जगह हमने 4 बच्चों को भेजा दिए थे शमशान भूमि में, तो लकड़ी के ऊपर बॉडी रखने के बाद वो लोग जब लकड़ी लगा रहे थे तो पूरी लकड़ी ढसल गई थी, और वो नाते बैग ने हमको बुला के बोला था ऐसे बच्चे हमारे पास मत भेजाइए। इसका से जो हमारे 25 का ग्रुप है वो परफेक्ट एकदम, हर समाज में परफेक्ट है सर। अच्छा, ये 25 लोगों का ग्रुप है, आपको लगता है काफी है? काफी है, काफी पूरे औरंगाबाद के लिए भी काफी है सर, और हमको वैसा भी बाहर के बहुत कॉल है ना, घाटी के अलावा, घाटी में तो डेली 30 मौत कंपलसरी है सर। तो इसमें लेकिन आपको एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ती होगी, जिस तरह से आपको बॉडी को हॉस्पिटल से क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंचाना है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो, या किसी को घर से ले आना है? नहीं, हमारे पास घाटी की जो 4-6 एम्बुलेंस है अपने, हमारे दोस्तों की एम्बुलेंस है वो, तो हम क्या करते हैं सर, हमारे ग्रुप के अंदर हमने एक ऐसा बनाया है, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने, महानगर पालिका ने हमारे को कोई चार्ज वगैरह नहीं देती, सिर्फ पीपी किट देती है वो, तो हमारे दोस्तों की जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस के अंदर हम पूरे बॉडी वो करते सर, और ये पूरा खर्चा हमारे लोगों की जेब से होता। खर्चा सारा आपने, आप खुद ही इसको जो भी खर्चा है वो आप खुद से ही लगाते हो? हम खुद करते सर, हमारे ग्रुप के लोग पूरे करते आपस में, क्योंकि पूरे अच्छे फैमिली के लोग है ना हमारे पास। कोई इंजीनियर है, कोई ठेकेदार है, कोई जमींदार है, कोई लिखे पढ़े लोग है, उसमें कारोबार बिजनेसमैन ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, जो क्रिमेशन में खर्चा आता है जैसे लकड़ी का या एम्बुलेंस का, वो सब आप खुद ही देख लेते हो? हाँ नहीं, महानगर पालिका लकड़ी तो फ्री देती है ना शमशान भूमि के से, और डीजल का जो खर्चा है, एम्बुलेंस का जो खर्चा है, तो हम हमारे आपस से हम कर लेते। परसों हम शमशान भूमि में, हमारे रोजे का टाइम हो गया था सर, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी फखर की बात है, हम जिसकी घर की मैयत करते थे, उन्होंने, वो प्योर बमन थे सर, वो उन्होंने देख लिया इनके उपास छोड़ने का टाइम आ गया, तो उन्होंने खरीफ से जाके अपना फ्रूट वगैरह जो भी मुक्ता था टाइम पे, उन्होंने हमको शमशान भूमि में लाके दिया। तो अपना तो रोजा भी आप शमशान भूमि में ही खोलते हो? हाँ खोलते सर, जैसा टाइम रहा, जैसा जा भी हम रहे, और रोजे का उपास का टाइम होगा तो वही हम लोग रोजा खोल लेते, वही हमारी 3 रकात नमाज मगरिब अदा कर लेते सर। अच्छा, वहीं पे नमाज भी अदा कर लेते? जी जी जी। चलिए चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कि इस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, बहुत ज्यादा अमवात हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लगातार अपना काम कर रहे हैं, हालांकि आपका रोजा भी है इस वक्त, लेकिन आप हर तरह के मतलब इसको जिम्मेदारी समझ के सबसे पहले इस काम को अदा कर रहे हैं। These are clearly the people who are fired by courage, compassion and a sense of service. They are performing last rites of those people who have died due to corona. They're giving dignity to rest to those people who died due to this infection and are trying their level best. All the while they are performing this duty, they are also fasting, and that's clearly what makes them stand out.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.